में सबकी जासूसी हो रही है। अगर आप दूसरे देशों के लोगों को अगर यहाँ की जासूसी सौंप दिए तो देश का सुरक्षित रहेगा। पेट्रोल और फ्यूल का इश्यू है, राफेल का करप्शन मामला है। हम लोग डिबेट चाह रहे थे लेकिन सरकार उस डिबेट को डिबेट नहीं करना चाहती थी, तो आज भी हंगामा होके सदन स्थगित हो गया और अध्ययन किया गया। हम पेगासस इश्यू इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं कि इसमें सबकी जासूसी हो रही है और इज़राइल में आज सुबह में मुझे न्यूज मिला पढ़ा कि वहां के इज़राइल गवर्नमेंट ने NSO पे छापा मारा, उनकी कंपनी पे छापा मारने के बाद एक बयान आया NSO की तरफ से कि जो कोई देश इस कंपनी के ओर से पेगासस की इंस्ट्रूमेंट की इस्तेमाल की है वो सभी को स्थगित किया जाए, ये उन्होंने आदेश दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जासूसी चल रही थी, हर देश में चल रही थी और हमारे देश में तो खास करके ये 2019 से अब तक चल रही है। इसका एक ही स्पष्ट उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। नवंबर में जब राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर नेता, उस वक्त के IT मिनिस्टर ये कहे कि ये सब झूठ है, ऐसा कोई नहीं है। फिर बाद में उनके इंसिस्टेंस करने के बाद उन्होंने ये कहा कि 121 लोगों के नाम आए हैं, वो समय आने पर हम बताएं। तो इसका मतलब तब से जासूसी चल रही है, खास करके जो पोजीशन पार्टी के नेता लोग हैं, प्रेस के नेता है या प्रेस के एडिटर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो भी हैं, और उसी ढंग से प्राइवेट लोगों के ऊपर भी उनकी नजर रखकर वो अपना जासूसी कर रहे हैं। और ऐसा कहीं नहीं हुआ, किसी देश में ऐसा नहीं होता कि जो अपने देश में जासूसी करना है किसी और देश के लोगों को हमारी जासूसी का क्या करने के लिए वो पावर नहीं देते। तो यहाँ तो अपना काम इजरायली कंपनी NSO के पेगासस को उन्होंने दिया, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन छुप सकती है? जो चीज हमको यहां करना चाहिए, अगर आप दूसरे देशों के लोगों को अगर यहां की जासूसी सौंप दिए तो देश का सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में इसका डिस्कशन हो, सब बाहर आए और जैसा जर्मनी ने और फ्रांस ने खासकर जो इंक्वायरी करके दिखाया कि वहां के जर्नलिस्ट की जो जांच उन्होंने जासूसी की थी वो बाहर निकल के आए, और एक जर्नलिस्ट का भी आया है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जासूसी करने वाले जो भी
कंपनीज हैं इन्होंने एंगेज करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो भी प्राइवेसी है, उनकी स्वतंत्रता है और डेमोक्रेसी में खास करके इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसका फुल डिस्कशन हाउस में हो। और बार बार हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हाउस डिसऑर्डर कर रहे हैं, लोग काम होने नहीं दे रहे हैं और डिस्कशन होने नहीं दे रहे, बिल पास होने नहीं दे रहे। ये सब सत्य से दूर है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हम लाख कोशिश किए तो भी वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उनकी नाक पकड़ी गई है। वकील साहब, लेकिन सरकार कहती है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मिनट आप बात में पूछिए, जो चर्चा के लिए तैयार है तो हम भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। करो प्रोसेस इसमें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन राम के केस में उसका उन्होंने उसको सम्मति दिए कि नेक्स्ट वीक में उसको देंगे। अरे इतने सारे देश के अंदर, देश के बाहर के लोग एक पूछ रहे हैं पेगासस के बारे में, वो क्यों नहीं होगा? तो ये हमारा यही मुद्दा है। ये डिसरप्शन आज नहीं कर रहे, ये तो पहले जेटली साहब वही आदत डाले थे, सुषमा स्वराज भी डाले थे, और उन्होंने यही कहा, अरे ये डिसरप्शन करना भी ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो जब आप कर सकते हैं और हम देश के हित में, लोगों के हित में, आज़ादी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए हम जब ये कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, तो आप हमको इस ढंग से ब्लेम कर रहे हैं कि हाउस को चलने नहीं दे रहे। भाई चलाओ, पहले ये चलाओ। और फार्मर्स का मुद्दा भी बहुत बड़ा अच्छा ये मुद्दा है। वो लोग सफर हो रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई इनके पास कोई भी यानी सुझाव नहीं है। वो उल्टा कहते हैं कि सुझाव तो आने दो। अरे कितने बार सुझाव देना, जब बिल आया सुझाव दिया, जब डिवीजन पूछा तो नहीं करे, फिर उसके बाद में भी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात रखी, कॉलिंग अटेंशन को ही लोग दिए, जीरो आवर में उठाए। तो लेकिन फार्मर का मुद्दा है, इन्फ्लेशन है जो कॉमन मैन को अफेक्ट हो रही है, हम जानते हैं पेट्रोल और फ्यूल का इश्यू है, राफेल का करप्शन मामला है, ऐसे तो बहुत से चीजें हैं। लेकिन हम एक एक इश्यू पे चर्चा करना चाहते हैं। पहला, सभी पार्टी मिलके, आज भी मेरे ऑफिस में सभी पार्टी के नेता लोग आए थे और सभी ने एक आवाज से यही कही कि पहले पेगासस मुद्दा हमने उठाया है, उसका डिस्कशन जारी रखे, डिस्कशन के बाद दूसरे चीजें फिर हम लेंगे। ये सबका कहना है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता था कि आज एक होकर इस विषय पे हम लड़ रहे हैं और हम सभी का साथ पूछने में हिचकिचाते नहीं, सभी को हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।